Good morning, students. Once again, this is Sunil Sinha, and uh, in our previous video, we have uh, started the second chapter of ninth class, uh, the sound of music. In this chapter, we have learned about Evelyn Glennie. She listens to the sound without hearing it, and we have completed the first point. Now, from point second.

नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द एट ईयर वैन द एट ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो मतलब उनकी मदर को याद है कि ये लड़की जो है आ, सुनना जब कम हो गया था तो कब कम हुआ था वो याद है जब वो आठ साल की थी और वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव मतलब दे यहाँ पे हैं टीचर्स होंगे या इंस्ट्रक्टर होंगे वो इसका नाम बुलाया होगा इसको बुलाए होंगे लेकिन वो अपने जगह से नहीं मूव की आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड एंड थर्ड आई यहाँ पे कौन है एवलिन ग्लेनी की मदर इजाबेल ग्लेनी। उनकी मदर कहती है कि मुझे रियलाइज हो गया था कि उसने सुना ही नहीं फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील कंसील मतलब छुपा लेना हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स मतलब अपने हियरिंग को वो छुपाती थी बहाना बना करके छुपा लेती थी अपने टीचर्स या फ्रेंड्स से बट बाई द टाइम शी वॉज एलेवन हर मार्क्स हैड डिटेरटेड डिटेरटेड मतलब टू बी वर्स मतलब बद से बदतर होना खराब हो जाना मतलब जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स जो होते थे सब्जेक्ट में तो वो बहुत ही कम आने लगे थे एंड हेड मिस्ट्रेस हेड मिस्ट्रेस हेड मास्टर कहिए या प्रिंसिपल कहिए वो अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट मतलब इसके पेरेंट्स सॉरी हेड मिस्ट्रेस जो हैं स्कूल के वो इनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि इनको आप कहाँ ले जाइए स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए मतलब कानों के डॉक्टर के पास तो वो स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए इट वॉज देन डिस्कवर्ड तब लोगों को पता चला मतलब इनके फैमिली को पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली एम्पेयर्ड एम्पेयर्ड मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना सेवरली एम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज और किसके कारण हुआ था नर्व डैमेज होने के कारण इनका हियरिंग का जो एबिलिटी है वो वीक हो हो जा रहा था दे देवेयर एडवाइसड मतलब इन लोगों को एडवाइस दिया गया स्पेशलिस्ट ने एडवाइस दिया दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स हियरिंग एड्स जानते हैं सुनने के जो मशीन आती है जो कानों में लगा होता है एज हेडफोन की तरह होता है वो छोटा सा मशीन जिससे हम लोग क्लियरली सुन सकते हैं तो वो एड्स लगाने के लिए इन लोगों को एडवाइस दिया गया एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ और उन्होंने कहा स्पेशलिस्ट ने कहा कि इनको ऐसे स्कूल में भेजिए जो डीफ के लिए स्कूल होते हैं एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन उस समय एवलिन कहती है कि उस समय जब डॉक्टर ने हमें ये सारी बातें कही तो हमारे आँखों के आगे अंधेरा छा गया मतलब क्या करें क्या नहीं करें कि स्थिति में आ गए नेक्स्ट इज बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप गिवअप मीन्स गिव अप इज़ अ फ्रेज छोड़ देना वो छोड़ने वाली नहीं थी शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ मतलब वो डिटरमाइंड थी डिटरमाइंड मतलब निश्चय कर ली थी दृढ़ निश्चय कर ली थी कि एक नॉर्मल लाइफ वो जिएगी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारेगी एंड पोस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको भी पॉस्यू करेगी परस्यू मतलब हासिल करना वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जायलोफोन एक दिन उसने नोटिस किया कि कोई लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही है एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू और उसके मन में भी ये डिसीजन हुआ कि मैं भी प्ले करूँगी जायलो फोन मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स डिसक्रेज हर डिस्ज्ड जानते हैं आप लोग डिस्करेज करना उत्साहहीन करना उत्साहित करना नहीं उत्साहहीन मतलब आप अगर स्टेज पे जा रहे हो तो हम कहें ऐ तुमसे होगा नहीं होगा ऐसा करना डिस्करेज किया इनको बट परकशनिस्ट परकशनिस्ट होता है जो आ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कहेंगे हम लोग रॉन फोब्स रॉन फोब्स जाइलोफोन प्ले करने वाले थे स्पॉटेड हर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल मतलब इनमें जो क्वालिटी था या एबिलिटी था उस पोटेंशियल को देखा उन्होंने ही बिगैन टू ट्यूनिंग ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स दो बड़े बड़े ड्रम्स वो प्ले करना शुरू किए टू डिफरेंट नोट्स और दोनों पे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने लगे और कह रहे थे एवलिन को डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स मतलब अपने कानों से नहीं सुनो ही वुड से वो क्या करते थे ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे इन साउंड्स को कुछ दूसरे तरीके से तुम सेंस करने की फील करने की कोशिश करो एवलिन सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और अचानक से जब वो कहे तो वो रियलाइज कर रही है कि जाइलोफोन का जो साउंड है लार्ज ड्रम्स का जो साउंड है वो अपर पार्ट ऑफ़ हर बॉडी एंड लोअर साउंड है उसको लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से वो फील करने लगी फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज इस बात को वो रिपीट uh, करने लगे एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी शुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी अलग अलग नोट्स वो अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी से फील करने लगी आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन वाइब्रेशन और साउंड पे अपने बॉडी से वो फील करने लगी थी द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क और बाकी का काम हमारा क्या किया शीयर डिटर्मिनेशन मतलब ऐसा निश्चय जो कभी टूट नहीं सकता है जैसे आप डिसाइड करोगे कि हमें स्कूल जाना ही है कोई कुछ भी हो पत्थर गिरे पानी पड़े आग पड़े तो अगर आपने डिटरमाइंड हो गए तो आप वो काम कर लोगे और इसका वर्क और सीयर determination ही इसको फेमस किया या इनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं तो ज़रूर कुछ रीज़न होगा तो वो शेयर determination इनका है जो हमें मोटिवेट करेगा अपने करियर को बिल्डअप करने में नेक्स्ट पॉइंट शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड तभी से वो पीछे की तरफ नहीं देखी शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम टूर्ड मतलब टूर पे गई यूनाइटेड किंगडम घूमने गई विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा जानते हैं ऑर्केस्ट्रा के साथ यंग या ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई बाय द टाइम शी वॉज सिक्सटीन उस समय वो सिक्सटीन की थी हर एज वॉज सिक्सटीन शी है डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ और उसने डिसाइड कर लिया था म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाना शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसने ऑडिशन भी दिया एंड ए स्कोर्ड वन ऑफ़ द हाइस्ट मार्क इन दिस्ट्री ऑफ़ अकेडमी और उस एकेडमी में इतने मार्क्स किसी ने नहीं लाया था इतने हाई मार्क्स वो लाए कि उस में रिकॉर्ड बन गया शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा वाला काम से वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी सोलो परफॉर्मेंस मीन्स सिंगल पर्सन जो परफॉर्म करते हैं ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स मतलब वहाँ पे उनका तीन साल का कोर्स था रॉयल एकेडमी में तो वो तीन साल जब वो कर रही थी तो एंड के बारे में बात कर रहे हैं she had captured most of the top awards और उस समय वो जितने भी top awards थी उसमें इनका नाम जरूर था okay next point point number फाइव and all of this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement अब अपने फेमस होने के लिए वो ये नहीं कहती है कि हमारे पास हीरोइक अचीवमेंट हो गया मैं अचानक से ऐसा कर ली मेरे पास वो पावर हो गया था नो इट वाज हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इफ़ यू वर्क हार्ड अब वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग अगर आप कड़ी मेहनत करते हो और आपको पता होता है कि ये मेहनत हमें कहाँ ले जाएगी और कहाँ जा सकते हैं हम यू विल गेट देयर मतलब आपने जो करियर अपने लिए चूज़ किया है और उस करियर पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो देन यू विल अचीव दैट गोल ओके देर इज नो एनी प्रॉब्लम शो वी शुड बी डिटरमाइंड इन आवर वर्क एंड शी गॉट राइट टू द टॉप और उसने अपने क्षेत्र में जो उसने डिसाइड किया था उसमें टॉप पे गई द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्कसनिस्ट मतलब वो मल्टीपर्कसनिस्ट हो गई मतलब बहुत सारे म्यूजिक सॉरी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बन गई विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हैक्टिक होता है बहुत ही बिजी शेड्यूल हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब इधर से कभी जापान से कभी रशिया से कभी अमेरिका से इनका शेड्यूल um, uh, बन गया हर जगह जाने आने का ओके फॉर टुडे लेट इट बी From six point, we will continue in our next video. Thank you.